इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको इस तरीके से यहाँ पर हम अपना कार्ड नंबर डालते हैं, ठीक है, उसकी एक्सपायरी डालते हैं, ठीक है, और अपना पिन डालते हैं और कंटिन्यू करते हैं, तो वहाँ पर हमें लिखा हुआ आता है द डेबिट कार्ड डिटेल्स एंटर आर इनवैलिड, प्लीज़ वेरीफाई योर डिटेल एंड ट्राई अगेन। तो यहाँ पर क्या इशू रहता है, देखिए, सबसे पहले आप कार्ड नंबर डालते हैं जो आपको आपके कार्ड पर मिल जाता है, तो जो बिल्कुल एग्जैक्टली आपका कार्ड नंबर है वही आप डालिएगा। अगर आप एक एक आधे के भी मिस्टेक कर रहे हैं तो वो आपको इनवैलिड बता सकता है। दूसरी कंडीशन में एक्सपायरी डेट, तो एक्सपायरी जो है, कार्ड एक्सपायरी जो होती है वो कार्ड के ऊपर ही लिखी हुई होती है, जैसे कि 2023 से 2024 है, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये अब 2022 चल रहा है, 2021 की एक्सपायरी डेट थी तो वो वर्क नहीं करेगा, 2022 का भी वर्क कर सकता है। अब जैसे यहाँ पर 10वां महीना चल रहा है, 10वां एंड 2022, तो ये वर्क कर जाएगा, ठीक है। एंड अगर ये 9वां महीना चल रहा है 2022 है, तो 8वां महीना चल रहा है 2022 है, तो वो वर्क नहीं करेगा। और 02 लगाइएगा, 08 लगाइएगा, 10 से नीचे महीना चल रहा है, ठीक है, तो इतना करिएगा। एंड सबसे एंड में आप जो है यहाँ पर OTP जो है लगाइएगा, यहाँ पर अपना ATM पिन। ATM पिन आपको पता ही होगा, ATM पिन क्या है आपका, तो वो कंटिन्यू करके आप लगा दीजिए। अगर आप सही डालते हैं तो आपका जो है प्रोसेस हो जाता है, वरना आपको इसी तरीके से दिखाएगा। तो ये प्रोसेस रहता है इसका। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।